नमस्कार, SSN Solution चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जो यूनिट सेकंड स्टार्ट कर चुके हैं एलजेब्रा की, उस यूनिट को हमने तीन लेक्चर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेक्चर हमारा ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकंड लेक्चर हम करने जा रहे हैं, और फर्स्ट लेक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं बचे हुए और सेकंड लेक्चर्स के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उन्हें हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं। वो समाकारिता की सीक्वेंस में होंगे तो उन्हें हम थर्ड लेक्चर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। वहां हम एक ही टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे ताकि हम उस मेथड को ज्यादा अच्छे से समझ सके। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा विभाग समूह या क्वोशेंट ग्रुप। क्वोशेंट ग्रुप किसे कहेंगे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आज वेरी इजीली कैसे सॉल्व करेंगे वो आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। आपके क्वेश्चंस को हम समझ लेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और इसकी कुछ थ्योरम्स हैं क्वोशेंट ग्रुप की, वो थ्योरम्स भी हम आज के लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर्स के ऊपर। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा, सबसे पहले ये जो एग्जांपल है आपका वो 1318 राजस्थान यूनिवर्सिटी और 1820 शेखावाटी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। बट उससे पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशंस। तो पहले है हमारे पास में विभाग ग्रुप या क्वोशेंट, क्वोशेंट ग्रुप, विभाग ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप। क्या होगा ये क्वोशेंट ग्रुप? देखो एच है, एच यदि जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, एच यदि जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, फर्स्ट कंडीशन एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, तब एच के समस्त समस्त सह समुच्चयों, सह समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय जी ओवर एच, इसे हम जी ओवर एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जी ओवर एच सह समुच्चय, सह समुच्चयों का समुच्चय जी ओवर एच, जी का, जी का एच द्वारा, एच द्वारा विभाग ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप कहलाता है। ओके, कहलाता है। सबसे पहले क्या होना चाहिए? एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए हमारा? एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए और एच के समस्त सह समुच्चय, सह समुच्चय मतलब कोसेट्स, तो इसके राइट कोसेट्स भी आगे, लेफ्ट कोसेट्स भी आगे, उन सभी को हम कलेक्ट करें और वो जो कलेक्शन बने हमारा, वो कलेक्शन हमारा होता है जी ओवर एच, जी ओवर एच, जी का एच द्वारा विभाग ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप कहलाता है। तो G ओवर H को हम क्वोशेंट ग्रुप कहते हैं। यहाँ ये जो H है G का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे हमारे वो एलिमेंट कैसे होते हैं? H A या A H, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। ये जो A है ये A हमारा G में होगा, किसमें? ऊपर वाले में, ये एलिमेंट हमारे ऊपर वाले में, नीचे वाला हम ऐसे कि ऐसे रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। यदि हमने के ओवर एच की बात की तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे? एच, और यदि हमने एक्स मान लिया तो ये एच तो नीचे वाला और ये एक्स किसमें जाएगा? हमारा ऊपर वाले में। तो जब भी आपके पास में क्वोशेंट ग्रुप हो और क्वोशेंट ग्रुप में हम एलिमेंट्स की बात करें तो अच्छे से समझ लो इसे, क्योंकि आगे भी इस टाइप के एलिमेंट्स हम लेंगे, वेरी यूजफुल एलिमेंट्स होंगे, तो उनका हमें आगे एमएससी में भी एक पूरा पेपर है, वहां भी हमें काम में आएंगे और यहाँ भी हमारे पास में है,
हम बीएससी फाइनल कर रहे हैं, एलजेब्रा हमें करनी है, तो हमें इस टाइप के एलिमेंट्स भी ध्यान में होने चाहिए। तो के और एच में कैसे होंगे, एच एक्स, और ये एक्स कहाँ जाएगा हमारा के में। ऐसे जी और एच में कैसे होंगे, एच ए, या इसे ए एच भी ले सकते हैं क्योंकि सभी कोसेट्स आ रहे हैं तो लेफ्ट भी होंगे राइट भी होंगे। बट ये जो नीचे वाला है ना, ये कंप्लीट आता है, नीचे वाला कंप्लीट आता है और ऊपर वाले का केवल एलिमेंट आता है। तो ये तो हो गई हमारे पास में जो क्वोशेंट ग्रुप है उसकी डेफिनेशंस की बात, और उसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे उनकी बात। अब ये तो थे हमारे मल्टीपल, जैसे ऐसे ही हम प्लस वाले भी ले सकते हैं, जैसे G ओवर H है, इसमें H प्लस A जैसे एलिमेंट भी हो सकते हैं, H प्लस A जैसे एलिमेंट भी होते हैं। ये हम प्लस के लिए डिफाइन करते हैं। अभी हमने मल्टीपल के लिए क्या, तब तो एच ए था, और प्लस के लिए इस टाइप के एलिमेंट होंगे। ओके, तो ये हमारे पास में एलिमेंट्स हो गए। अब चलते हैं हम इस एग्जांपल्स के ऊपर जो हमें दिया हुआ है, एक विभाग ग्रुप जी ओवर एच, जहां जी का मान ये, एच का मान ए है। जी ओवर एच के लिए संक्रिया सारणी भी बनाइए। ओके, विभाग ग्रुप ज्ञात कीजिए, विभाग ग्रुप ज्ञात कीजिए G over H। तो पहले तो हम ये देखें क्या G over H के ऊपर विभाग ग्रुप क्वोशेंट ग्रुप बनेगा भी या नहीं बनेगा। फिर हम एक टेबल भी बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है G। G कैसा है हमारा, Z और प्लस। इसका मतलब जो सेट हम ले रहे हैं वो सेट हमारा इंटीजर्स का है। जेड यहां इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑपरेशन हमने किसका लिया है, प्लस का ऑपरेशन लिया है। तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे हमारे, एलिमेंट होंगे माइनस इंफिनिटी, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, इंफिनिटी, और ऑपरेशन है प्लस का। ये हुआ हमारा जी। और एच हमें दिया हुआ है, एच हमारा फोर जेड प्लस, इसमें भी हमारा प्लस ऑपरेशन है। That means, जहां जहां जेड के एलिमेंट है उनको फोर से मल्टीपल कर देंगे तो ये इन्फिनिटिव ही रहने वाला है। एलिमेंट माइनस ट्वेल्व, माइनस एट, माइनस फोर, जीरो, फोर, एट, ट्वेल्व, इन्फिनिटिव, प्लस। अब ऐसे मत करना कि फोर इन्फिनिटिव साहब, इन्फिनिटिव को भी करेंगे हम तो मल्टीपल, तो इन्फिनिटिव को किसी से मल्टीपल करो, फाइनाइट नंबर से इन्फिनिटिव ही आता है। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू बन गई। अब हमें करना क्या है, हमें इसे विभाग ग्रुप प्रूव करना है, क्वोशेंट ग्रुप। क्वोशेंट ग्रुप जब भी आप देखो, जब भी जो भी वर्ड आप देखो उसकी डेफिनेशंस देखो। क्वोशेंट ग्रुप मतलब क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। कौन सा, नीचे वाला, किसका, ऊपर वाले का। तो यदि हम नीचे वाले को ऊपर वाले का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर देते हैं तो क्वोशेंट ग्रुप हो जाएगा। क्वोशेंट ग्रुप बताने के लिए हमें क्या प्रूव करना है, कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो। और एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसे हम चिमटा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखा है आज के लेक्चर्स में हमने, ये लो चिमटा जी और ये हमारा जी। हमें ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हमने तीन बातें प्रूव की थी, दो तो हमारी डेफिनेशंस वाली, दो तो डेफिनेशंस वाली। एक तो हमारा एक्स एच बराबर हो जाए एच एक्स के, और एक इसका सब ग्रुप, ये तो ये प्लस एच जी का सब ग्रुप। और दूसरी बात तो ये बात है इसकी डेफिनेशन। देखो आपने कभी चिमटा देखा होगा, चिमटा है उसको आप ऐसे रख रहे हो, उसको पलट दो, फिर आप देखो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चिमटा कर्म भी नहीं है, आप उसको ऐसे रखो ऐसे, हाँ डायरेक्शन यदि हमने चेंज कर दी तो फर्क पड़ेगा, बट चिमटे को ऐसे रखो या ऐसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फर्स्ट डेफिनेशन, चिमटे को उल्टा नीचे कैसे भी करो, आप एक्सपेरिमेंट करना, आप जाके किचन में चिमटा लो उसको देखो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन, आप चिमटे को लो और चिमटे से यदि हम कोई काम करें, चिमटे से यदि हम कोई काम करें तो क्या करेंगे, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा।
उसे पकड़ना पड़ेगा, चिमटे को बीच में लेके हमें पकड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम अंगूठे से चिमटे को लें, साफ उठा लो, खाना उठा ले, नहीं उठेगा। या फिर हम केवल इन उंगलियों से चिमटे को रखे उठाए, नहीं उठेगा। हमें दोनों तरफ से दबाव डाल के कुछ जो भी उठाना है, चपातियां वगैरह, उसको उठाएंगे हम। दोनों साइड से हमें फोर्स डालना पड़ेगा, चिमटा बीच में, दोनों तरफ से हमने उसमें फोर्स डाले, हम उससे बड़े हैं। चिमटा छोटा है, ऐसे थोड़ी ना चिमटा हमसे भी बड़ा होगा, नहीं होगा, छोटा है। तो उसके लिए हमारे पास में दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन एक्स एच एक्स इनवर्स, ये आ जाए हमारा एच में, ये हमारा किस में बिलोंग्स करे, एच में। ये हमारे हाथ है बड़े वाले, और ये हमारा चिमटा, ये हमारा चिमटा और जो काम कर रहा है। अब आप हाथ से काम करोगे तो ऐसे थोड़े ना बोलोगे कि जैसे गैस पर चपाती है, देखा होगा, तो आप क्या बोलोगे, चिमटे से चपाती को उठाओ, जबकि काम तो हम भी कर रहे हैं ना उंगलियों से, लेकिन उठा कौन रहा है, काम किसके लिए बोला, चिमटे के लिए, कि रोटी पकड़ो और चिमटे को पकड़ो, रोटी को उठा के रखो। काम कौन कर रहा है, चिमटा कर रहा है, चिमटा, जबकि कर तो कर हम रहे, लेकिन नाम किसका हो रहा है, चिमटे का, कि चिमटे से उठाओ, तो चिमटा आ रहा है हमारे पास में। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन, फर्स्ट चिमटे को उल्टा नीचे करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, चिमटे को बीच में लेके हम काम कर रहे हैं, फिर भी काम कौन कर रहा है, चिमटा, चिमटे का नाम हो रहा है। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन, यहां भी चिमटा सब ग्रुप होगा, तो एच हमारा जी का सब ग्रुप, और ये एक्स हमारे एलिमेंट किसमें होंगे, जी में। और थर्ड तो याद करने वाली है, उसको तो क्या मतलब है, वो तो क्या है हमारे पास में, एक्स एन एक्स इनवर्स बराबर एन, ये तीसरी, ये तो याद करनी है हमें, ओके। चिमटे से दो डेफिनेशन हम सब ग्रुप की, नॉर्मल सब ग्रुप के इजीली याद रख सकते हैं, तो चिमटे से याद रखो। इसका सिंबल भी चिमटा ही है, तो इसको चिमटा ही देखो आप, तो जब भी आपको चिमटा दिखे, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आपको ये तीन बातें दिखनी चाहिए, ये चिमटा जी, चिमटा जी को आप जब भी जाओ तब देखो, और तीन बातें उसके साथ में कनेक्ट करो। अब ऐसे नहीं कि हर टाइम ही देखते रहो, नहीं तो बावड़ा बताएंगे फिर। ओके, चलते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखो हमारे पास में इसके जो एलिमेंट है, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, नॉर्मल सब ग्रुप, और नॉर्मल सब ग्रुप की हमने क्या कहा, सबसे पहले चिमटा कर्म विनिमय, उसको कैसे भी रखो कर्म विनिमय। यदि हम जी को कम्यूटेटिव, ओके, कम्यूटेटिव मतलब कर्म विनिमय प्रूफ कर दे तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा हमारा, बस सकते कि एच जी का सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप की बात बोली, देखो एच में ये एलिमेंट है, जी में ये एलिमेंट है, तो एच के सारे एलिमेंट जी में है या नहीं है, है ना, सारे के सारे एलिमेंट जी में, मतलब एच जी का सबसेट है, एच जी का सबसेट है, और सब ग्रुप भी है। इसके जो एलिमेंट है प्लस के लिए इनवर्स होगा, हर एलिमेंट का इनवर्स होगा, और वो जी में बिलोंग्स भी करेगा। आपने फोर लिया, फोर का इनवर्स भी हमारे पास में माइनस फोर है, जीरो आ रहा है हमारे पास। तो ये सब ग्रुप है जी का, हमें प्रूफ क्या करना है, नॉर्मल सब ग्रुप। देखो जी क्या है, इंटीजर, प्लस के लिए हमेशा कर्म विनिमय होगा, माइनस टू और प्लस थ्री करो या थ्री माइनस टू करो, आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, हमारी वन ही आने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स जो भी इंटीजर होते हैं वो कम्यूटेटिव होंगे, वो कैसे होंगे, कम्यूटेटिव। दैट मीन्स जी कैसा हो गया, एक कर्म विनिमय समूह हो गया, कर्म विनिमय, और कर्म विनिमय चिमटा कर्म विनिमय, यही तो होता है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या होते हैं, एक्स हमारा जी में है, और एच हमारा यदि कैपिटल एच में है तो ये जी में होगा कि नहीं होगा, एच हमारा एच में है
तो ये जी में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सब ग्रुप तो उन्हें प्रूव कर दिया, इसका मतलब जो भी एलिमेंट एच में वो जी में होंगे। तो एक्स एच हमारा एच एक्स के बराबर होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि जी कैसा है, कर्म विनिमय, तो इसके एलिमेंट आपस में कम्यूटेटिव होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास में आ गई, आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, ये कैसे हो गए हमारे नॉर्मल सबग्रुप। ओके, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, यहां से हमने प्रूव कर दिया कि एच जी का नॉर्मल सबग्रुप है, एच जी का नॉर्मल सबग्रुप है, इंप्लाइज करके जी ओवर एच हमारा एग्जिस्ट करेगा, जी ओवर एच हमारा एग्जिस्ट करेगा मतलब विद्यमान होगा। तो हम जी ओवर एच के लिए हम अब कैलकुलेट करेंगे, तो हमने क्या किया, एग्जिस्ट तो हो गया, अब हमने एच प्लस जीरो और जीरो प्लस एच के लिए हमने कैलकुलेट किया। एच हमारा ये रहा, इसमें यदि हम जीरो ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, जीरो ऐड करेंगे तो जीरो होगा, तो ये एच आ गया। ओके, जीरो ऐड करेंगे तो एच ही रहेगा हमारे पास में। तो इसके जो एलिमेंट, एलिमेंट लिख दो आप, इसके एलिमेंट माइनस इंफिनिटिव, माइनस ट्वेल्व, माइनस एट, माइनस फोर, जीरो, फोर, एट, ट्वेल्व, इंफिनिटिव। ओके, ये प्लस को हटा दो, इस बार ओनली हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा, एच ही बनेगा। सेकेंड हमने क्या किया, एच प्लस वन किया और वन प्लस एच किया, इसका मतलब इसके जो भी एलिमेंट है उनमें हमने वन ऐड कर दिया। जैसे हमने वन ऐड किया, माइनस इंफिनिटिव क्या होगा, वन माइनस इंफिनिटिव होगा, होगा नहीं होगा, इंफिनिटिव तो खुद ही इंफिनिटिव है, इसमें वन ऐड करेंगे तो माइनस इलेवन, माइनस सेवन, माइनस थ्री, जीरो, फाइव, नाइन, थर्टीन, इंफिनिटिव, और ये बना हमारा एच प्लस वन, क्योंकि ऐसा हमारे पास में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने एच प्लस वन ही रख दिया इसको। एच प्लस टू या एच प्लस वन तो है हमारे पास में, तो रहने दो इनको, लिख दो, बाद में हमारे चेंज होंगे। एच प्लस टू बराबर टू प्लस एच, अब टू हमने ऐड किया तो माइनस इंफिनिटिव, किसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं टू, तो माइनस का टेन, माइनस का सिक्स, माइनस का टू, टू, ओके, यहां वन ऐड करेंगे तो वन आएगा, टू सिक्स टेन फोर्टीन इंफिनिटिव, और ये भी हमारे पास में अलग ही आया है, इनमें तीनों में तीनों अलग है, तो हमने एच प्लस टू रख दिया। फिर हमने एच प्लस थ्री किया, तब तक करेंगे जब तक रिपीट नहीं हो, एच प्लस थ्री करेंगे, तीन ऐड करेंगे, माइनस इंफिनिटिव, ये बनेगा माइनस का नाइन, माइनस का नाइन, माइनस का फाइव, माइनस का वन, थ्री, सेवन, इलेवन, फिफ्टीन, इंफिनिटिव, एच प्लस थ्री। अब हमने क्या किया, एच प्लस फोर किया, जब तक करेंगे जब तक रिपीट नहीं हो जाएंगे रिपीट, ऐसा नहीं कि इंफिनिटिव तो चलेंगे, हो जाएंगे अभी रिपीट होंगे। ये हमने फोर ऐड किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू है, माइनस इंफिनिटिव। अब इसमें हम फोर ऐड करेंगे, इसमें आप वन ऐड कर दो या इसमें फोर ऐड कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का एड, माइनस का फोर, जीरो, फोर, एट, ट्वेल्व एंड सो ऑन। और ये क्या है हमारा, ये हमारा रिपीट हो गया यहां से, ओके, माइनस एट, फिर माइनस ट्वेल्व, ऐसे आएंगे हमारे पास में एलिमेंट, तो ये हमारा एच आ गया। ऐसे आप आगे करोगे, एच प्लस फाइव, फाइव प्लस एच, ओके, ईटीसी, तो ये बनेगा हमारे पास में एच प्लस वन, इसी प्रकार आपके ये एलिमेंट होंगे। तो जब तक हमें ये बनाने हैं, जब तक हमारे पास में रिपीट नहीं हो, करना कुछ नहीं है, जो एच है उसमें बस आप ऐड करते जाओ, किसके एलिमेंट, जी के एलिमेंट, जी के जीरो वन टू थ्री है। इसी प्रकार आप माइनस के एलिमेंट्स लोगे तभी यही प्रोसेस होने वाली है, तभी चार तक जाएगी, उसके बाद की यही प्रोसेस होगी। तो हम एच, एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री, एच प्लस फोर, हमारे पास में ये कोसेट्स आ रहे हैं,
और ये नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप में हम जानते हैं इसके कोसेट कम्यूटेटिव होते हैं, तो ये कोसेट्स की कंडीशन आ गई, तो कोसेट ये भी हमारे कोसेट्स हैं और ये भी हमारे कोसेट ही है। ओके, ये प्लस के लिए हो गया हमारे पास। अब इसके जितने भी कोसेट्स हैं उनका हम एक सेट बनाए, वही तो जी ओवर एच होगा हमारा। तो इसमें कितने कोसेट है, केवल ये चार ही कोसेट है, चार ही कोसेट, एच 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 प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री, एच प्लस फोर, तो वापस से एच आ गया। तो ये चार ही कोसेट है इसमें, इसके अलावा और कोई कोसेट नहीं है, बाकी वही रिपीट हो रहे हैं। अब इसके लिए हमें एक संक्रिया सारणी बनानी है, तो हम एक सारणी बना देंगे। इसके लिए हमने एक सारणी बनाई, तो सबसे पहले जितने भी इसके कोसेट्स हैं वो कोसेट लिखे हमने। यहां प्लस ऑपरेशन कर रहे हैं, ये एच, ये एच, फिर दूसरा कोसेट एच प्लस वन, एच प्लस वन। अब यहां आप ये मत करना कि वन प्लस एच क्यों नहीं लिखा, दोनों बराबर है। आप चाहो तो वन प्लस एच, टू प्लस एच, थ्री प्लस एच, फोर प्लस एच के लिए बनाओ, या फिर आप इसके लिए बनाओ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब ऐसे नहीं कि एक बार आपने एच प्लस टू किया फिर यहां थ्री प्लस एच करोगे, साहब एक ही बात है, एक ही सिक्वेंस के लेने हैं हमें, ऐसे भी नहीं खींचनी पकानी है। तो ये हमारा एच प्लस थ्री, और एच प्लस फोर आएगा क्या, है क्या इसमें कोसेट अलग से कोई, एच प्लस फोर तो हमारा खुद आ गया, तो नहीं आएगा। ये है हमारे पास, और ये तो मैंने पहले भी कहा था आपको, क्या कहा था कि आप एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस कितने ही करते जाओ एक ही एच होगा, एक ही काउंट होगा। किया था ना अपन ने एच 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 एक्स, इसको हमने केवल एच एक्स लिखा था, वो मल्टीपल के लिए था, ऐसे प्लस के लिए भी होगा। तो एच और एच प्लस में आ रहे कितने भी आए क्या लिखा जाएगा, एक एच लिखा जाएगा। ऐसे ही एच और एच दो एच नहीं लेना हमें, केवल एक एच लिखना है, एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री। एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एलिमेंट जुड़ेंगे, बस एलिमेंट जुड़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ने वाला हमारा। ऐसे ये एच के साथ एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस थ्री एलिमेंट जुड़ेंगे। एच के साथ हो गया एच प्लस वन, एच प्लस वन। अब ऐसे मत बोलना साहब एच प्लस वन और एच प्लस वन, लो साहब सेम ही तो एच प्लस वन लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, वो कोसेट एच के लिए होगा, ये एलिमेंट्स के लिए नहीं है। एलिमेंट्स तो जुड़ेंगे, एलिमेंट्स जुड़ के क्या बनेंगे हमारे पास में, एच प्लस टू, ये बनेगा एच प्लस थ्री, और एच प्लस फोर का मान क्या है हमारा, एच ही तो है, तो ये बना हमारा एच। ऐसे एच प्लस टू, एच प्लस थ्री बनेगा, टू और टू बनेंगे फोर, तो एच बन जाएगा। टू और फाइव, टू और फाइव के लिए क्या है हमारा, एच प्लस वन। ऐसे एच प्लस थ्री के लिए एच प्लस फोर बनेगा, तो एच आएगा। फिर यहां एक और बढ़ा दो एच प्लस वन, एक और बढ़ा दो एच प्लस टू। ये हमारी एक टेबल बन गई इन कोसेट्स की और जी ओवर एच की। तो यहां हमने जी ओवर एच को डिफाइन किया, जी ओवर एच कैसा होगा, एच के सभी कोसेट्स का सेट जी ओवर एच क्वोशेंट ग्रुप कहलाता है। क्वोशेंट ग्रुप के लिए एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और क्या देखा हमने यहाँ, कोसेट्स लिए प्लस के लिए है, कोसेट टेबल बनाई हमने, किया। तो और भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, दो तीन क्वेश्चंस और है, तो अच्छे से समझ में आएगा हमारे पास में टेबल वगैरह बनाना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी इसी टाइप का है, हमें वहां भी जी और एच निकालना है, टेबल बनानी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें अवशेष वर्ग समूह जी और एच को हमें लिखना है, जहां जी हमारे पास में ये है, एच हमारा ये है। ओके, यहां हमें जी और एच बताना है कि जी और एच हमारे क्या होंगे। देखो जी है यहां, जी को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, जी डिफाइन किया गया है हमारा जेड एट प्लस एट। दैट मीन्स यहां हमारे पास में जो वैल्यू होंगी, प्लस एट का मतलब हम मॉड्यूलो एट, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जो शेष फल बचेंगे हमारे पास में, वो शेष फल की ये बात कर रहा है। तो यहां प्लस एट से हम डिवाइड करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में इसके रेसिड्यू, यहां हमारे पास में जीरो बनेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन,
जीरो से स्टार्ट करो, इससे एक कम तक आप लिखोगे वहां तक हमारे पास मॉड्यूलो एट की वैल्यू आएगी। यदि आप मॉड्यूलो 9 की बात करोगे तो एट तक आएगा। ओके, तो मॉड्यूलो जो नंबर्स है उससे एक कम तक हम लिखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास में वैल्यू होती है। अब यहाँ कितने नंबर्स हैं, ये 4 और 4 एट, और ये कह रहा है कि इसमें जेड एट का मतलब इसमें एट एलिमेंट है, ये हमारे पास में एलिमेंट हो गए, और ये प्लस एट हमारा मॉड्यूलो के लिए रिप्रेजेंट। और जो एच है, एच है हमारा 0 और 4 प्लस एट। देखो प्लस एट दोनों में सेम ऑपरेशन है, 0 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, मतलब इसका सब ग्रुप हो गया हमारे पास में जी। ये प्लस एट के लिए हम जानते हैं ए प्लस एट बी करो या बी प्लस एट ए करो, दोनों के मान इक्वल होंगे, मतलब ये क्रम विनिमेय होंगे, कॉमिटेटिव। कॉमिटेटिव है, ये इसका सब ग्रुप है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, तो नॉर्मल सब ग्रुप है हमारा, तो यहाँ हमारा जी ओवर एच एग्जिस्ट करेगा। अब हमें जी ओवर एच का मान चाहिए, तो यहाँ हमें ऑपरेशन क्या लेना है, प्लस एट लेना है, एच के एलिमेंट्स के ऊपर जी के एलिमेंट का हम ये ऑपरेशन लेंगे। तो यहां हमने एच लिखा प्लस एट ऑपरेशन लिया, जी का एलिमेंट लिया हमने 0, 0 प्लस एट एच लिख सकते हैं, और ये मान क्या होगा हमारा, यहां हम 0 प्लस 0 करें और मॉड्यूलो लेंगे तो 0 बनेगा, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 में फिर से हम एट का डिवाइड करेंगे तो 4 एट से कम है तो 4 बचेगा हमारे पास, तो ये मान क्या आया हमारा एच। अब एच प्लस एट मॉड्यूलो 1, 1 प्लस एट मॉड्यूलो एच। अब हमने क्या किया, एच के एलिमेंट में हमने 1 ऐड किया, 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 1, और 1 एट से छोटा है तो 1 ही आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, और 5 भी 1 से छोटा है तो 5, ये बना हमारा नया, हमने मान लिया इसको एच प्लस एट 1। सेकेंड हमने किया एच प्लस एट 2 या 2 प्लस एट एच। अब यहां हमने 2 ऐड किया और यहां आप 1 ऐड कर दो, इसमें कर रहे हो तो 2 करोगे, इसमें करोगे तो 1 करोगे, यहां 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2, 2 ऐड से छोटा है तो 2 ही आएगा, यहां 1 ऐड करेंगे तो 6, और 6 ऐड से छोटा है तो 6 आ गया, क्या बना हमारा एच प्लस एट 2। एच प्लस एट 3 की हम बात करें, 3 प्लस एट एच, तो ये क्या बनेगा हमारा, अब इसमें एक और ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड किया तो 3, 3 एच से छोटा है तो 3 आएगा, 6 में एक ऐड करेंगे तो 7, 7 एच से छोटा है तो 7 आएगा, अलग है तो इसको भी हमने अलग ही नाम दे दिया। फिर हमने एच प्लस एट 4 की बात की या 4 प्लस एट एच की हमने बात की। अब हमने इसमें एक और ऐड किया 4, 4 एट से छोटा है तो 4, 7 में हमने एक ऐड किया तो एट बना, एट एट के इक्वल है तो 0 आ जाएगा हमारा शेष पर, तो ये बना एच प्लस एट 4। अब हम एच प्लस एट 5 की बात करें तो 5 प्लस एट एच दोनों एक ही बात है, अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 5 एट से छोटा है तो 5, और यहां हम 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और ये हम जानते हैं कि 1 5 लिखो, एलिमेंट ही तो है, इन्हें हम 1 5 लिखें या 5 1 एक ही बात है, और ये मान क्या आ गया हमारा एच प्लस एट 1। और ये 4 0 या 0 4 यहां पर भी हम लिख सकते हैं इसे 0 4, ये भी क्या बना हमारा एच प्लस एट 1 0 सॉरी एच। ओके एच, इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में यही सीक्वेंस रिपीट होने वाली है। तो ये थी हमारी इसके लिए टेबल, अब हमें इसके लिए सारणी बनाएं, तो सारणी क्या बन जाएगी हमारे पास में, कितने कोसेट्स आए हमारे पास में, ये 4 कोसेट्स है, और ऑपरेशन क्या है हमारा प्लस एट मॉड्यूलो, यहां है हमारे पास में एच, यहां एच लिखा, यहां एच प्लस एट मॉड्यूलो 1, एच प्लस एट मॉड्यूलो 1, फिर यहां हमने सेकंड एलिमेंट जो कोसेट्स है वो लिखा हमने एच प्लस एट 2, एच प्लस एट 2,
एच प्लस एट थ्री, एच प्लस एट थ्री, ये हमारे पास में इसके कोसेट्स आ गए। अब इन कोसेट्स की हम टेबल्स बनाए तो हमारे पास में क्या टेबल बनेगी, हम जानते हैं एच और एच एक एच होगा, यहां भी एक बनेगा, तो एच के लिए तो सेम टेबल बनेगी हमारे पास में। अब हम एच वन की बात करें तो वन तो एलिमेंट है, ऐड होगा तो ये बनेगा हमारा एच प्लस एट टू, वन और वन टू, वन और टू थ्री, वन और थ्री फोर, और फोर के लिए हमारे पास में क्या है, फोर के लिए हमारे पास में वापस से एच है। अब यहां हम टू की बात करें, टू और वन थ्री बनेगा, टू और टू हमारा फोर बनेगा, फोर के लिए एच, और इससे जस्ट आगे वाला जाएगा तो एच प्लस एट वन, यहां थ्री है, थ्री वन हमारा एच बनेगा, इससे जस्ट आगे वाला हमारा वन बनेगा, इससे जस्ट आगे वाला हमारा टू बनेगा। तो ये हमारे पास में इसकी एक टेबल बन गई। तो ये है हमारे जी ओवर एच की टेबल। पहले हमने इसको नॉर्मल सब ग्रुप वेरीफाई किया, उसके बाद में जी ओवर एच को हमने एग्जिस्ट किया, फिर हमने इसकी कोसेट्स बनाए, इसमें जितने भी कोसेट्स थे राइट लेफ्ट इक्वल होंगे, हमारे नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमने इसके कोसेट्स बनाए, हमारे पास में चार कोसेट्स हमें मिले, इन चार कोसेट्स पे हमने ऑपरेशन किया आगे भी, तो हमारे पास में वो ही सीक्वेंस में ये रिपीट होते जा रहे हैं, तो इनके लिए हमने एक टेबल बनाई। तो हमारे पास में केवल ये चार ही कोसेट है, ये चार ही कोसेट टेबल में भी हमारे पास में मिल रहे हैं हमें। तो ये था हमारा जी ओवर एच को लिखना। अब और भी हम करेंगे जी और एच के, तो अच्छे से क्लियर होने वाले हैं आपके ये टेबल बनाना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट हमने ये टू क्वेश्चंस लिए हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में और शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछे गए हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ हमें जी और एच का मान पूछा गया है, तो इसे हम फर्स्ट और सेकेंड नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट को हम सॉल्व करें, यहां हमें जी का मान दिया हुआ है, तो जी क्या है हमारे पास में, इसमें 12 एलिमेंट हैं, और वो एलिमेंट कैसे हैं, प्लस मॉड्यूलो 12, हमें क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और 12 से एक कम तक चलेंगे। ओके, ये हमारे पास में प्लस मॉड्यूलो 12 में हमारे पास में एलिमेंट आ गए, और इसमें जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हमने प्लस 12 ले लिया, और जो n है हमारा, n हमें दिया हुआ है, n हमें दिया हुआ है 0, 3, 6, 9 और प्लस मॉड्यूलो 12, 0, 3, 6, 9, 0, 3, 6, 9 इसमें है, दैट मीन्स इसका सब ग्रुप होगा प्लस के लिए, और मॉड्यूलो हमारा कम्यूटेटिव होता है तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, दैट मीन्स जी और n हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो हमें इसके कोसेट्स चाहिए। तो हमने क्या किया, n के इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम ये ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, तो हमने n प्लस मॉड्यूलो 12 जीरो किया, तो ये बना हमारे पास में जीरो प्लस मॉड्यूलो n। अब जीरो ऐड कर रहे हैं तो n ही आएगा हमारे पास में, तो n के जो भी एलिमेंट हैं 0, 3, 6, 9 चार ही एलिमेंट है, यही आएगा हमारे पास में। अब इस बार हमने जी का एक और एलिमेंट लिया, ये तो हमने ले लिया, वन लिया हमने, तो वन वन प्लस एन, अब इसमें वन ऐड करेंगे तो वन बनेगा, वन ट्वेल्व से छोटा है तो वन आ जाएगा, वन थ्री में ऐड करेंगे तो फोर, ये भी ट्वेल्व से छोटा है, ट्वेल्व से छोटे बनेंगे तो हम उनको एज इट इज लिखने वाले हैं, सेवन टेन, ये अलग नाम दे दिया हमने, एल ट्वेल्व वन दे दिया। फिर हमने टू के लिए किया तो ये बना हमारे पास में, इसमें एक और ऐड करेंगे, जब तक 12 से छोटे आ रहे हैं तो उनको हम एज इट इज लिखते जाएंगे, ये बना हमारा n 12 2, फिर हमने एक और ऐड किया 3 12 n, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू बनेगी, एक और हम ऐड करेंगे तो 3 6 9, अब देखो 12 आ गया, 12 आ गया, 12 का 12 में डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, और 0, 3, 6, 9,
0, 3, 6, 9 यही तो एलिमेंट है, n आ गया, n हमारे पास में एलिमेंट आ गया। फिर हमने n प्लस 12 4 किया या 4 प्लस 12 n किया, अब इसमें एक और जोड़ेंगे हम तो 4 बनेगा, 7 बनेगा, 10 बनेगा, 1 बनेगा, और 1 4 7 10 1 4 7 10 हमारा क्या है n प्लस 12 1। आगे भी हम करेंगे तो हमारे पास में यही रिपीट होने वाले हैं। तो हमें कोसेट्स मिल गए, कितने कोसेट्स मिले हमें, 3 कोसेट्स मिले, इनकी हम सारणी बना लेंगे। तो ये हमारा n, यहां भी n, फिर n प्लस मॉड्यूलो 12 1, n प्लस मॉड्यूलो 12 1, फिर n प्लस मॉड्यूलो 2, n प्लस मॉड्यूलो 12 2। ये हमारे पास में एक टेबल्स बन गई। अब यहां हम इनको ऐड करें, टेबल्स बनाएं, तो n और n हमारा n बनेगा, n में तो सेम एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास में, n प्लस 12 1, n प्लस 12 2। अब बाकी के जो है हमारे पास में उनकी हम बात करें तो ये 1 और 1 के साथ जुड़ के क्या बनेगा हमारे पास में, 2 बन जाएगा, 1 2 के साथ जुड़ के क्या बनेगा हमारा, 3 बन जाएगा। फिर ये 2 1 के साथ जुड़ के हमारा 3 बन जाएगा, और 2 2 मतलब 4, 4 के साथ क्या है हमारा, 4 के साथ में n 12 1, n 12 1 है, तो ये बन गया हमारे पास में n 12 1, n 12 1, n 12 2, n 12 3, n 12 3 हमारा n है, ओके, n 12 3 हमारा n है, n 12 3 हमारा n, n है हमारा n 12। तो ये हमारे पास में एक टेबल बन गई जो कि क्वेश्चन फर्स्ट के लिए थी, मॉड्यूलो 12 के लिए। और अब मॉड्यूलो से रिलेटेड यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस आ जाए x y z आप इजीली कर पाओगे, ओके। सिंपल का हमने किया, मॉड्यूलो का किया, अब हम एक डॉट वाला भी कर लेते हैं जो कि सेकावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है हमसे, तो इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे और समझेंगे इसे भी कैसे हम वेरीफाई करते हैं। उसके बाद हम इसके जो थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम, उन थ्योरम्स के ऊपर हम चलते हैं। तो हमारे पास में देखो जी के एलिमेंट ये है, एन के ये है, 1-1 है इनमें, दैट मीन सब ग्रुप हो गया। और डॉट के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, दैट मीन ये नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, दैट मीन जी ओवर एन एग्जिस्ट होगा। तो हमने n किया, देखो ऑपरेशन क्या है, डॉट, दोनों में डॉट है, दोनों में सेम होगा हमारा, यहां n डॉट, हम इसका एलिमेंट लेंगे 1, 1 डॉट n। अब इसके एलिमेंट को 1 से डॉट करेंगे तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, 1 और माइनस 1 ही आने वाला है जो कि n हो, n डॉट। अब दूसरा एलिमेंट हमने माइनस 1 लिया, माइनस 1 डॉट n। अब माइनस 1 से हम ऑपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो माइनस का 1 और ये 1 प्लस का है, तो सेम ही एलिमेंट आगे पीछे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n ही बनेगा। इस बार हमने इसको तीसरे एलिमेंट आयटा से मल्टीपल किया, आयटा इनटू n, आयटा से मल्टीपल करेंगे इसे तो ये बनेगा आयटा माइनस आयटा। अब देखो ये अलग बना तो हमने इसको क्या लिख दिया, n आयटा लिख दिया, क्या लिख दिया, n आयटा। इस बार हमने माइनस आयटा से मल्टीपल किया तो हमारे पास क्या बना, माइनस से करेंगे तो ये माइनस का आयटा और ये प्लस का आयटा, वही एलिमेंट है बस आगे पीछे कर दिया, तो ये हमारा n आयटा। तो कितने कोसेट बने इसमें, केवल 2 कोसेट, कितने कोसेट्स मिले हमें, केवल 2 कोसेट्स मिले हमें। ये हमारा ऑपरेशन, ये फर्स्ट कोसेट, ये हमारा सेकंड कोसेट। अब इनकी हम टेबल बनाए तो n n के साथ में n बनेगा, n i बनेगा और n i बनेगा, n के लिए तो सेम ही लेंगे हम। अब n i और n i क्या बनेंगे हमारे पास में, n i क्या बनेंगे, ये बनेंगे हमारे पास में n n का तो एक n हो गया और i डॉट i, n i डॉट i का मान माइनस 1 और n माइनस 1 का मान क्या आ रहा है हमारा n, तो ये आ गया हमारे पास में n। ये बन गई हमारे पास में इसकी टेबल जो कि हमसे सेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया क्वेश्चंस था। अब हम चलते हैं
जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है उन थ्योरम्स के ऊपर। तो हमारी जो थ्योरम्स है वो थ्योरम हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी 14, 16, 18 में पूछी गई है। थ्योरम है हमारी एक आबेली ग्रुप, ओके, एक आबेली ग्रुप दिया हुआ है हमें का प्रत्येक अवशेष वर्ग या खंड ग्रुप आबेली होता है, मतलब खंड ग्रुप मतलब जी और एच जैसा, परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं कि सत्य हो। तो इसके लिए हम जो इसका विलोम लेंगे उस विलोम के लिए हमें S3, A3 और S3 और A3 का यूज करना होगा। तो S3 क्या होता है, S3 हमारे इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ये हमने परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा है। तो इस टाइप के जो भी एलिमेंट होंगे उन्हें हम S3 में लेते हैं और ज्यादा डिटेल से इनकी हम स्टडी करते हैं जब हम CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो कभी टाइम मिले और जब CSIR नेट की हम सीरीज डाले एलजेब्रा की तो आप जरूर देख सकते हैं, उनमें इसी टाइप के और भी बहुत से ग्रुप होते हैं, उनके बारे में हम वो हायर लेवल पे हम डिस्कस करेंगे, यहाँ हम नहीं करने वाले। यहाँ केवल हम ये देख रहे हैं कि S3 हमारा ये ऐसा होता है, A3 हमारा इस तरह का होता है और S3 और A3 में हमारे ये दो एलिमेंट है, ओके। आप इन्हें याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इस थ्योरम में हमें केवल S3 A3 और S3 और A3 का यूज करना है विलोम में, उसमें कन्वर्जली में, बाकी इसमें नहीं है हमारे। और आगे की एक जो थ्योरम आएगी उसमें भी हमें यही यूज करने हैं, तो आप इनको याद रख लोगे S3 A3 और S3 over A3, ठीक है। अब हम यहां बात करें, पहले इसको हम एक पार्ट इसका प्रूव करें, एक आबेली ग्रुप। तो हमने मान लिया, माना जी एक आबेली ग्रुप है, तब अवशेष वर्ग खंड ग्रुप आबेली होगा, तब इसका जो खंड ग्रुप है जी एक आबेली ग्रुप है तथा एच इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तब क्योंकि एच है, यदि इसका सब ग्रुप भी हम लें और ये आबेली है, हम जानते हैं कि आबेली ग्रुप का यदि कोई सब ग्रुप है तो वो कैसा होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हमें G over H को क्या प्रूव करना है, आबेली प्रूव करना है। तब हम सिद्ध करेंगे कि जी ओवर एच एक आबेली ग्रुप है। अतः माना हमने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो एच ए, आगे हमारा यूज जब हमने बताया था कि एलिमेंट ऐसे लेंगे हम, एच ए और एच बी हमारे किस में बिलोंग्स कर रहे हैं, जी और एच में, बता रखा है ये एच तो एच का, और ये एलिमेंट कहां जाएंगे हमारे, फॉर ऑल ए बी हमारे जी में होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एच ए एच बी हमारा एच बी एच ए के बराबर आ जाए। तो हमने दो एलिमेंट लिए, एच ए एच बी, दो एलिमेंट है, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं एच एच ए बी, और एच एच ए बी है एक कम हो जाएगा एच ए बी, और इसे हम क्या लिख सकते हैं एच बी ए लिख सकते हैं, सिंस ए बी बिलोंग्स टू जी एंड जी एक आबेली ग्रुप है, अतः ए बी हमारा बी ए के बराबर होगा। ये आबेली की कंडीशंस कि उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कम्यूटेटिव लिख सकते हैं, कर्म विधि में नियम के पालन करेंगे। अब इन्हें वापस से हम चलते हैं इसी स्टेप पे, तो इन्हें हम लिख सकते हैं एच एच बी ए, इसे लिख सकते हैं हम एच, देखो यहां तक लिखा हमने, ये लिखा हमने एच एच बी ए, और एच एच बी का मान क्या होता है हमारा पता है हमें, तो इसे लिख सकते हैं हम एच बी एच ए, ये हमारे पास में कंडीशंस आ गई। अब ये हमारे पास में कंडीशन है, तो ये किसकी कंडीशन आ गई हमारे पास में, कम्यूटेटिव की। एच ए एच बी लिया हमने, क्या प्रूव कर दिया, एच बी एच ए के, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कम्यूटेटिव हो गया।
और ये हमें प्रूव करना था कि G ओवर H क्या होना चाहिए, हमारा कर्म विनिमय या आबेली ग्रुप होना चाहिए। अब हम कन्वर्जली की बात करते हैं। कन्वर्जली में कुछ प्रूफ नहीं करना हमें, हमें केवल ये यूज में लेना है। ये क्या कह रहा है कि आबेली ग्रुप का नॉर्म क्वोशेंट ग्रुप आबेली होगा। अब हम ये लेकर के चले कि हमारा क्वोशेंट ग्रुप तो आबेली है, क्वोशेंट ग्रुप तो आबेली है, बट एस थ्री हमारा आबेली नहीं हो, ये हमें बताना है। इसलिए हमने ये एक एग्जाम्पल लिया। हम ये जानते हैं, ये ध्यान रखना, कंपटीशन में भी आपके वेरी वेरी यूजफुल पॉइंट है ये। यदि किसी ग्रुप में केवल दो ही एलिमेंट हैं, यदि किसी ग्रुप में केवल दो ही एलिमेंट हैं, तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा, कर्म विनिमय ग्रुप होगा। कब? जब उसमें केवल और केवल दो एलिमेंट है। यहां देखो S3 और A3 में कितने एलिमेंट है, एक और एक, दो ही एलिमेंट है। इसका मतलब ये कर्म विनिमय होगा। S3 और A3 एक कर्म विनिमय ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है, परंतु S3 एक अकर्म विनिमय ग्रुप है। इसलिए हम इस एग्जांपल्स को ले रहे हैं कि यहां S3 तो हमारा अकर्म विनिमय है, अकर्मीय, नॉन कम्यूटेटिव, नॉन अबेलियन ग्रुप। S3 तो हमारा अकर्म विनिमय ग्रुप है, A3 हमारा एकांतर ग्रुप होगा, अल्टरनेटिव ग्रुप। और ये S3 और A3 है, ये कर्म विनिमय होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट है। ये हमें प्रूव करना था। S3 एक अकर्म विनिमय ग्रुप है, A3 हमारा एकांतर ग्रुप है, परंतु S3 ओवर A3 में केवल दो ही एलिमेंट है, अतः वो कर्म विनिमय ग्रुप होगा। अतः ये सिद्ध करता है कि प्रत्येक क्वोशेंट ग्रुप का, प्रत्येक क्वोशेंट ग्रुप का ग्रुप आबेली हो यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमने ये एग्जांपल्स यूज में ले लिया। तो ये हमारी थ्योरम हमारी कंप्लीट। क्या करना है हमें लास्ट में, ये लिखना है S3 एक अकर्म विनिमय ग्रुप है, A3 एक एकांतर ग्रुप है, परंतु S3 और A3 में दो ही एलिमेंट है, अतः यह कर्म विनिमय ग्रुप होगा, अतः इसका विलोम सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। केवल इतना लिखना है। आप चाहो तो ये नंबर्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज केवल आप S3 A3 और S3 और A3 का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर। नेक्स्ट थ्योरम हमसे सेकावाटी यूनिवर्सिटी 20 में पूछी गई थी। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय ग्रुप का भागफल समूह चक्रीय होता है। ओके, कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसका क्वोशेंट ग्रुप भी कैसा होगा? साइक्लिक, परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं कि सत्य हो। विलोम में वही कंडीशन जो अभी हमने लिखी थी वो ही हमारे एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, S3, A3, S3 और A3। हमें केवल ये देखना है कि जो साइक्लिक ग्रुप है इसका क्वोशेंट ग्रुप भी एक साइक्लिक होगा। तो मान लिया हमने, माना G एक साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप है। अब ये हम जानते हैं कि कोई साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसमें एक जनरेटर होता है। तो हमने मान लिया, माना A G का जनक या जनरेटर है। तब इसके किस फॉर्म में लिखते हैं हम, ये जानते हैं कि जनरेटर होता है वो G के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो किस फॉर्म में होता है, हमारा An फॉर्म में। तो An हमारा G में बिलोंग्स करेगा, और जहां ये An हमारा किस में बिलोंग्स करेगा, Z में। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि भागफल समूह, ओके, अब हमने मान लिया, माना एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तब हम सिद्ध करेंगे कि G ओवर H एक चक्रीय ग्रुप है, अर्थात N एक की पावर N,
किस किया लिखा एच, तो एच ए की पावर एन हमारा बिलोंग्स करेगा किसमें, जी ओवर एच में। ओके, तो कोई साइक्लिक ग्रुप है यदि ए एन हमारा जी में बिलोंग्स कर रहा है तो साइक्लिक है, ये होगा। यहां कंडीशन लिख देंगे हम एन हमारा जेड में, तो यदि ये बिलोंग्स कर रहा है तो जी एक साइक्लिक ग्रुप है, तो यदि इस टाइप का एलिमेंट की पावर एन इसमें बिलोंग्स कर रही है, ये किसका है, जी ओवर एच का, दैट मीन जी ओवर एच क्या हो जाएगा हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने एच ए की पावर एन लिया, एच ए की पावर एन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एच ए ए ए एन टाइम्स, ओके एन बार लिख रहे हैं हम। ये जानते हैं कि एच को आप कितने भी टाइम्स तक अंदर लिख सकते हो, तो एच ए एच ए एच ए एन टाइम्स, और एच ए को आप एन टाइम्स तक लिख रहे हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, एच ए की पावर एन। देखो ए की पावर एन हमारा किसमें था, जी में, जो किसमें बिलोंग्स करेगा, जी ओवर एच में। सिंस ए की पावर एन हमारा जी में है, इंप्लाइज करके एच ए की पावर एन किसमें बिलोंग्स करेगा, जी ओवर एच में, और ये इसकी वैल्यू ही तो है। इंप्लाइज करके एच ए की पावर एन इक्वल्स टू एच ए की पावर एन, जब लेफ्ट हैंड साइड हमारी जी ओवर एच में है तो राइट हैंड साइड भी हमारी किस में जाएगी, जी ओवर एच में। ये दोनों इक्वल है, जब ये जी ओवर एच का एलिमेंट है, ये दोनों इक्वली है तो ये भी जी ओवर एच में ही तो जाएगा, इक्वल है तो ये हमारे जी ओवर एच में आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि ये आ जाए, एन बिलोंग्स टू जेड के लिए, तो ये जी ओवर एच क्या होगा हमारा, एक साइक्लिक ग्रुप होगा, दैट मीन्स जी ओवर एच एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके, जी ओवर एच हमारा एक साइक्लिक ग्रुप हो गया। इसका हमें विलोम देखना है, और विलोम के लिए यदि किसी ग्रुप में केवल दो ही एलिमेंट है तो वो क्रमविनिमेय में भी होगा और साइक्लिक भी होगा, क्योंकि दो ही एलिमेंट है एक और दो, इससे वो यहां जाएगा, इससे यहां, 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 साइकिल बनेगी हमारे पास, तो साइक्लिक भी होता है। और ये जो एस हमने लिया था ना, एस थ्री, वो ही एग्जाम्पल, एस थ्री ए थ्री और एस थ्री ओवर ए थ्री, ये हमारा एच चक्रीय ग्रुप होगा, एच चक्रीय ग्रुप, नॉन साइक्लिक ग्रुप। एस थ्री नॉन साइक्लिक भी है, एच चक्रीय भी है और ए क्रम विनिमेय भी है। ए थ्री हमारा एकांतर है, एस थ्री और ए थ्री हमारा चक्रीय ग्रुप है क्योंकि दो ही एलिमेंट है, क्रम विनिमेय है क्योंकि दो ही एलिमेंट है, तो क्रम विनिमेय भी हमने यही एग्जाम्पल्स यूज ले लिया, और ये चक्रीय साइक्लिक में भी हमने यूज में ले लिया, वही लिखना है। एस थ्री हमारा एक एच चक्रीय ग्रुप है नॉन साइक्लिक, और ए थ्री हमारा एकांतर ग्रुप है, जबकि एस थ्री और ए थ्री में केवल दो ही एलिमेंट है, अतः यह एक चक्रीय ग्रुप होगा। और यही हमें प्रूव करना था कि जरूरी नहीं कि इसका बिलोंग सत्य हो। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर, क्वेश्चंस ग्रुप से रिलेटेड एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी इस यूनिट का बचा हुआ जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स कंप्लीट लेकर के आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में हम आपकी नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।